पंचक बा पंचुक ओडिशारे पालित एक हिंदू पर्व। एहा कार्तिक मासर शेष पांच दिन रे कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारु पूर्णमी पर्यंत पालन करा जाए। एहाकु महापंचक, बक पंचक, भीष्म पंचक एवं विष्णु पंचक भावे मध्य जाना जाए। जो माने कार्तिक मास सारा हबिष करिपारंती नाही सेमाने एही पांच दिन हबिष पालन करंती। अनेक लोक अँला नवमी राधापाद दर्शन दिवस ठारु सात दिन हबिष करंती। एही पांच दिन हिंदू माने आमिष परित्याग करी सात्विक खाद्य आहार करंती। गुरुवार अर्थात आजि ठारु आरंभ होईछि पंचुक व्रत। कार्तिक मासर शेष पांच दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारु पूर्णिमा पालन करा जाए। किंबदंती अनुयायी बग मध्य आमिष भोजनरु निवृत्त रहंती बोली कथित थिबारु एहाकु बक पंचक मध्य कुहा जाए। पौराणिक विश्वास अनुयायी सरसज्जा उपरे साहित्य भीष्म राजधर्म मोक्ष धर्म दान धर्म वर्णना करिथिले जहाँ पांडव मानंक सहित भगवान श्रीकृष्ण मध्य सुनिथिले। एथिरे प्रसन्न होई से भीष्मंकु कहिले आपण धन्य आपण कार्तिक एकादशी दिन जलर जाचना करिछंती। एहा परे पितामह पाणी मागिबारु अर्जुन बाण साहाज्यरे भूमि क्षेपण करी जल प्रदान करिथिले। एथिसह एही पांच दिनरे जे आपणंकु जल अर्घ्य प्रदान करिबे से आपणंकु तृप्त करिपारिबे। एही कारणरु सेबेठारु पूर्णिमा पर्यंत पांच दिन भीष्म पंचुक भावे मध्य एहाकु पालन करा जायथे। साधारणतः संतान प्राप्ति उद्देश्यरे अनेक लोक एही भीष्म पंचक व्रत पालन करंती। कार्तिक मासर शेष पांच दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी ठारु पूर्णिमा पर्यंत एक लक्ष तुलसी पत्र अर्पण करी विष्णु को पूजा कले समस्त देवता प्रसन्न होई वर प्रदान करंती बोली विश्वास मध्य रहिछि। तेबे पंचुक अवसर रे पुरी जगन्नाथ मंदिर रे श्रीजीवंकु अनेक आकर्षणीय बेशरे सज्जित करा जाए। एकादशी रे लक्ष्मी नारायण बेश, द्वादशी रे बांको चूड़ा बा बामन बेश, त्रयोदशी रे त्रिविक्रम बेश बा आड़किया बेश, चतुर्दशी रे लक्ष्मी नृसिंह बेश, पूर्णमी रे राजराजेश्वर बेश। प्रथम दिनर अर्थात आज एकादशी रे हरि उत्थान एकादशी रे महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेशरे दर्शन देयंती। द्वादशी रे श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु अत्यंत चिताकर्षक बांकचूड़ बेश हुवंती। जेतेबेले अक्रूर गोपपुर को जाइथिले श्रीकृष्ण व बलराम को मथुरा को आणिबाकु सेही समय रे ब्रज दांडरे एही रूपरे अक्रूर दर्शन करिथिले। सेही स्मृति रे एही बेश श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होई आसुछि। एही बेश रे ठाकुर माने सुनार अलंकार रे विभूषित होइथांती। चूड़ा मध्य धारण करिथांती। मस्तक रे एही चूड़ा बा चूल दक्षिण दिग को ढली रहिथाए। एणु महाप्रभुंक एही बेश को बांको चूड़ा बेश कुहाजाए। त्रयोदशी रे रत्न सिंहासन उपरे महाप्रभु अत्यंत चिताकर्षक त्रिविक्रम बेशरे दर्शन देवार परंपरा रहिछि। एही बेशरे ठाकुर माने सुवर्णर अलंकार रे विभूषित होइथांती। सेपरि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि एही दिन रे लक्ष्मी नृसिंह बेशरे भक्तमानंकु दर्शन दियंती महाप्रभु। जेतेबेले इंद्रद्युम्न महाराज दारु देवतांकु प्रथमे दर्शन करिथिले सेतेबेले महाप्रभु तांकु नृसिंह बेशरे दर्शन देइथिले। सेही स्मृतिरे महाकार्तिक पंचुकर चतुर्दशी तिथिरे श्री विग्रह मानंकर एही बेश अनुष्ठित होई आसुछि। एही बेशरे श्री विग्रह माने श्रीभुज श्रीपयर समेत अन्यान्य स्वर्ण अलंकाररे सज्जित होइछंती। महाप्रभुंक एही बेश दर्शन कले अशेष पुण्य मिलिथाय बोली विश्वास रहिछि। एहापरे कार्तिक पूर्णिमा दिन महाप्रभु भक्तमानंकु राजराजेश्वर बेशरे दर्शन दियंती। अवकाश नीति शेष हेबा परे तीनि ठाकुरंकु एही सबु बेशरे सज्जित करा जाए।
ବେଶ ଥାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳ ଧୂପ ଓ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ବେଶ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପଞ୍ଚକରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।